Hello everyone, welcome to Quick Prints. Hope you guys are doing great and learning well with the help of these tutorials. Recently हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि इस तरीके के वुड ब्लॉक और वैक्स प्रिंट का ट्यूटोरियल था. कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से उसमें ऑडियो नहीं था, तो हम फिर से आए हैं एक नया ट्यूटोरियल लेकर जिसमें कि कुछ कॉम्प्लिकेशन डाले गए हैं, कुछ मोर टू वर्ड मोर क्लोज टू वर्ड्स वैक्स प्रिंट होगा. सो गाइज, अगर ये वीडियोस आपके टेक्निकल स्किल्स में इजाफा कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू लाइक द वीडियोज़ एंड कमेंट ऑन द पर्टिकुलर वीडियोज़. इट काइंड ऑफ अ बूस्टर फॉर अस टू मेक न्यू वीडियोज़. सो लेट स्टार्ट. In this video, we will learn how we can give 2 to 3 colors effect in a wax print. So let's start the video. Welcome back. इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के एक ब्लैक एंड वाइट स्टैम्पिंग वाले इमेज को कन्वर्ट करना है वेक्टर में, वेक्टर एज इन क्लियर आर्टवर्क, और किस तरीके से रिसर्च करना है. आप देखिए, सिंपली मैंने एक वेक्टर बॉर्डर लिखा है जिसमें कि कुछ सीमलेस पैटर्न भी आए हैं. अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम इलस्ट्रेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ सिंगल प्रिंट, और हम लोग फोटोशॉप में भी जा सकते हैं. सो एज आई एम लाइक आई वुड गो फॉर द फोटोशॉप. आपको अगर इलस्ट्रेटर में जाना है तो इट्स इजी कमांड, वी विल कन्वर्ट इन बोथ वेज. तो लाइक ऑल ओवर को वी विल कन्वर्ट इनटू इलस्ट्रेटर, एंड आपका जो बॉर्डर है उसको हम फोटोशॉप में करेंगे. लाइक ऑल ओवर के लिए वहाँ पे बहुत सारे मोटिव्स हैं, हम इस मोटिव को ले सकते हैं. तो लेट्स कॉपी इट. जब भी हम इंटरनेट के इस विंडो से कोई भी इमेज कॉपी करते हैं, तो ये कॉपी रेजोल्यूशन फोटोशॉप ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, लाइक 999x1080 पिक्सल्स. अब जब भी हम यहाँ पे जाके न्यू प्लेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली 999x1080 पिक्सल्स की प्रॉपर्टी को रीड कर लेगा. डबल क्लिक करना है, पेस्ट करना है, सिंपल. सो मैं जो भी शॉर्ट कमांड यूज करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं. इस विंडो में आपको शॉर्ट कमांड सारे मिल जाएंगे. सो यहाँ से आप इसका एक बार साइज देख लेते हैं. हम इमेज साइज के लिए इमेज साइज में जाएंगे. 15x13 का इमेज है, 300 रेजोल्यूशन है. 300 रेजोल्यूशन करने के लिए मैं इसकी रेजोल्यूशन को 300 करता हूँ. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोजली स्मार्टली इस सेक्शन में देखिए, मैंने बाइक्यूबिक स्मूथ रखा है बिकॉज अभी तक ये जो इमेज है एक इमेज है, आर्टवर्क नहीं है, क्लियर आर्टवर्क नहीं है. सो वी कैन नॉट गो फॉर अ नियरेस्ट नेबर. अगर हम इसको नियरेस्ट नेबर करते हैं तो आप देखिए एजेस किस तरीके से खराब हो रहे हैं, बिकॉज इसको अभी कन्वर्ट वेक्टर में करना है तो उसको सॉफ्ट ही रहने देना होगा. तो हम चलते हैं बाइक्यूबिक स्मूदर ग्रेडियंट्स के साथ. ये इस तरीके से हो गया है. अब इस इमेज को क्रॉप कर लेते हैं. इमेज करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप इस तरीके से सिलेक्शन लेके यहाँ पे सिलेक्शन को फिक्स कर लीजिए. लाइक इस तरीके से सिलेक्शन आपने फिक्स किया, और इसको ऑल्ट आई पी शॉर्ट कमांड है, राइट. ऑल्ट आई पी शॉर्ट कमांड है क्रॉप करने के लिए, आप यूज कर सकते हैं. आपकी इमेज क्रॉप हो गई है, अभी तक सब कुछ बहुत स्मूथ है. अब इसको किस तरीके से करना है, आप यहां से जाइए और कर्व, कर्व एक सेक्शन है यहाँ पे, आप इससे कर्व से इसके व्हाइट और ब्लैक को बैलेंस करेंगे, राइट. व्हाइट और ब्लैक को आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे, और इस तरीके से ये कर्व बैलेंस होंगे. अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसके एजेस के साथ क्या हुआ है. ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये बिफोर था, ये आफ्टर है. इस तरीके से इसके कर्व बैलेंस करेंगे आप, और इसको एक फिक्स लाइन पे लाके छोड़ देंगे. जब आपको लगने लगे ठीक है, इसको छोड़ दीजिए इस तरीके से. बट स्टिल अभी इसमें पिक्सलेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं. उसके लिए आप इन तीनों लेयर्स को मर्ज कीजिए, राइट. इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट थ्रेशोल्ड, राइट. अब आपका आर्टवर्क ये पूरा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है विदाउट यूजिंग पेन टूल और एनी अदर ड्राइंग टूल. आपका आर्टवर्क कन्वर्ट हो गया है. अब इस आर्टवर्क में एक रिपीट देखना है. जो रिपीट है वो यहाँ पर है, राइट. अब जो भी इफेक्ट आप डालेंगे उसके लिए सबसे पहले हम एक ग्रिड लगा लेते हैं. ग्रिड के लिए यहाँ पे रूलर है. अगर ये रूलर आपके यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल आर से ये रूलर की सेटिंग आपके यहाँ पे आ जाएगी. आप सिलेक्शन लेंगे, सबसे पहले मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन लेंगे. टोलरेंस 0 रखना है बिकॉज ये स्क्रीन प्रिंट कन्वर्ट हो चुका है, अभी टोलरेंस का बहुत ध्यान रखना है. तो यहाँ पे हम एक सिंगल पैटर्न को पकड़ेंगे और ग्रिड लगाएंगे. ग्रिड लगाने के लिए आप ऊपर से ड्रैग करेंगे, ऑल्ट दबा के तो वर्टिकल हो जाएगा, और ऑल्ट नहीं दबाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगा.
क्लियर है यहाँ तक, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो अब वापस से हम इसी मोटिफ पे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ये मोटिफ है जो रिपीट के लिए, ऑल्ट दबा के ट्रैक करेंगे वर्टिकल और बिना ऑल्ट दबाए करेंगे हॉरिजॉन्टल। ये आपका रिपीट क्रॉप हो गया। कंट्रोल डी कर देते हैं टू डी सेलेक्ट द मोटिफ। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से इन्वर्स कर लेते हैं, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि ये एरिया ब्लैक हो और ग्राउंड वाइट हो, है। इन्वर्स के लिए शिफ्ट कंट्रोल आई, और आप अगर शॉर्ट कमांड से करते हैं तो कंट्रोल आई करके आप इसको शॉर्ट कमांड से यूज कर सकते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वुड ब्लॉक में, जो मेन है उसका कलर्स, लाइक कलर की बैलेंसिंग आपकी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले सजेशन दूंगा कि आप ग्राउंड कलर कोशिश कीजिए जितना डार्क ले सके, एज इन डार्क बिल्कुल ब्लैक नहीं जाना है बट थोड़ा सा डार्क। तो मैं इस मरून के साथ जाऊंगा, एक कलर फिल कर लेते हैं। अब कंटीजियस ऑन है अभी, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही आपने कंटीजियस ऑन रखा है तो इसके जहां से एरियाज को कलर जाने का स्पेस मिला वो वहां चले गए। अब कंटीजियस ऑफ करने पे क्या होता है, कंटीजियस ऑफ करने पे आपके हर वाइट एरिया को उसने पर्पल में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। अब इसके साथ आप एक इसका टोनल लाइट कलर लेंगे, टोनल लाइट लेके आप यहाँ फिल कर देंगे, जहां जहां ब्लैक था वो सारा टोनल लाइट हो गया, राइट। अब इसके बाद जो बारी आती है इन मोटिव्स को थोड़ा सा हैंड फिनिश देने की, लाइक ये बहुत ही ज्यादा पैन ड्रॉन लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ किया है, इस तरीके के लग रहे हैं। उसके लिए हम फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने का मैं लेयर्स इसी लेयर पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज जितने ज्यादा लेयर होंगे आपके फाइल का साइज उतना बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं। आप इन फिल्टर्स के साथ थोड़ा सा प्ले करके देख सकते हैं कौन से फिल्टर में आपके लिए कितना इफेक्ट आ रहा है। लाइक इस फिल्टर से आपका जो आर्टवर्क है बहुत स्मूथ हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा कम करके देख लीजिए, लाइक बहुत ज्यादा ही स्मूथ है, इतने स्मूथ की जरूरत नहीं है। ये जब आप फिल्टर देखेंगे, मैं इसके प्रिंट साइज में एक बार साइज थोड़ा सा स्केल छोटा करके देख लेते हैं, लाइक लेट्स स्टिक हियर, ओके। अब यहाँ पे देखना है जो मेन है कि इसको थोड़ा सा हैंडक्राफ्टेड फील देना है इस लेआउट को, बिकॉज अभी तक ये लेआउट है, हमने इसमें कुछ काम नहीं किया है, तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिस एज अ लेआउट। सो लेट्स स्टिक ऑन एनी फिल्टर जिसमें कि इसके एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, लाइक डिफ्यूज ग्लास, नो रफ पेस्टल्स, ओके। लेट्स गो विद पैलेट नाइफ, लेट मी सी, ओके। पैलेट नाइफ में आप धीरे धीरे देखिए स्मूथली एकदम हो रहा है कलर, इसके इफेक्ट चेंज हो रहे हैं। तो हम एक बार कंपेरिजन करके देखेंगे प्रीवियस एंड आफ्टर में विद सम डिटेल, यहाँ पे स्ट्रोक डिटेल्स और सॉफ्टनेस, स्ट्रोक साइज, वो आप अपने आर्टवर्क पे चेंज करके देख सकते हैं, राइट। स्ट्रोक डिटेल, अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो आप देखिए अंदर की डिटेल जो है इंक्रीज होती जा रही है। एक बार स्ट्रोक डिटेल को मैं पूरा बढ़ा देता हूँ, बिकॉज अंदर के स्ट्रोक डिटेल उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की बाहर वाले, राइट। इस तरीके से सॉफ्टनेस को थोड़ा कम करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रोक साइज है इसको कम कर दें तो अंदर के स्ट्रोक्स बढ़ने वापस शुरू होते हैं। तो इसी का जो सारा बैलेंसिंग हमें देखना है कैसे ये थोड़ा सा ठीक लगता है। ग्रिड हमने लगाया हुआ है, रिपीट का कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद इसको ओके करते हैं, एक थोड़ा सा हुआ है, फिर से फिल्टर में जाएंगे। अब हमें ड्राई ब्रश की हेल्प से एक बार देखना होगा इसको ड्राई ब्रश में ये कैसा काम करता है। ये फिल्टर गैलरी में हमने दो बार वो इफेक्ट चलाया है, अब अगले के लिए हम फिल्टर गैलरी में जाएंगे और ड्राई ब्रश में देखते हैं इसके एजेस थोड़े से ठीक हो रहे हैं, लाइक ब्रश साइज, टेक्सचर, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ब्रश का। तो लेट्स स्टिक ऑन दिस, आई गेस किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो हम यहीं पे रुकते हैं, राइट। अब जब देखें हमने फिल्टर चलाए हैं तो ये आर्टवर्क पिक्सेलेटेड हो गया है, राइट। ये मोस्टली होता है जब हम फिल्टर यूज करते हैं, आर्टवर्क पिक्सेलेटेड होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन प्रिंट, सो वी कैन नॉट अफोर्ड अ पिक्सेलेटेड आर्टवर्क। तो उसके लिए ऑल्ट प्रेस करके आपने ये कलर पिक कर लिया, देन एक्स प्रेस करके बैकग्राउंड के लिए, फोरग्राउंड के लिए ये कलर पिक कर लिया। शॉर्ट कमांड ऑल्ट आई ए टी फॉर थ्रश होल्ड। अब अपने इफेक्ट के बाद थ्रश होल्ड कर रहे हैं हम, जिससे कि ये वापस आर्टवर्क आ जाए। और अब हम फिर कलर्स फिल कर देंगे ये बैकग्राउंड के लिए और ये मोटिव के लिए, राइट। नाउ वी आर ऑन द सेम पेज जहां से हम चले थे विद एडिड डिटेल्स, राइट। अब बात आती है उन इफेक्ट्स की। वो इफेक्ट्स के लिए मैंने कुछ ब्रशेज हैं जो पिछले वीडियो में दिए थे और इस वीडियो में भी आई विल अपलोड,
तो यहाँ ये ब्रशेज हैं जो कि क्रैक के लिए मैंने डाउनलोड किए थे, क्रैक ब्रशेज हैं। आप देखिए आपने आर्टवर्क पे सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको आर्टवर्क बनाते टाइम बार बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये चेक करना है उसका प्रिंट साइज, बिकॉज प्रिंट साइज जब तक ठीक नहीं लगेगा आपके ब्रशेस का इफेक्ट कोई फायदा नहीं करेगा, राइट? तो आपको वो देखना है, और जो भी ब्रश का इफेक्ट है वो ग्राउंड कलर में डलना चाहिए, और ग्राउंड से अगर थोड़ा सा हल्का सा लाइट कर लेंगे तो वो और थोड़ा ठीक लग सकता है इस तरीके से, राइट? तो इसके लिए अब जो ब्रश है, अभी फिलहाल के लिए मैं ग्राउंड कलर का ही ब्रश यूज कर रहा हूँ न्यू लेयर पे। ब्रशेस का सिलेक्शन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, आपको जैसे ठीक लगता है आप उस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे ब्रशेस बहुत सारे हैं, बहुत पूरा सेट मैं आपके लिए फिर से एक बार लिंक में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेस कर करके आपको मेन जो है देखना है, प्लेस करने के बाद जैसे ही आप ब्रश चलाएंगे आपको इफेक्ट दिखेगा, एंड दैट वुड बी योर फाइनल कॉल के कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक जो भी ज्यादा अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे इसमें ये पार्ट ठीक लग रहा है, बट जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये बहुत अलग है, तो आई विल नॉट यूज दिस। लेट्स सी दिस, ये फिर भी काफी हद तक ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, तो यहाँ एक एडिशनल कलर के साथ हम कुछ करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से। ब्रश के मामले में मुझे ये 73 नंबर ब्रश काफी ठीक लगा है, और एक बार 74 को भी देख लेते हैं, 74 भी ठीक है, सो लेट्स गो विद 74। अच्छा, इसमें यहाँ पे ब्रश का साइज छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, ट्राई मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि ये रिपीट में बैठ जाए, बाकी आप अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग अपने साइजेस सेट कर सकते हैं। जस्ट एक बार क्लिक करना है आपको, ये आपको किसी भी कॉर्नर से सेट करना है। लाइक आप देखिए जूम करके देखिए, मैं इस कॉर्नर पे ब्रश को सेट कर रहा हूँ, राइट? ऐसे थोड़ा सा पेशेंस का मामला है, यहाँ पे जैसे आराम से आप कर्सर लाइए और एक बार क्लिक करना है, दैट्स इट। ये हो गया आपका इफेक्ट प्रिंट साइज में। प्रिंट साइज देखिए ये है, क्लियर है, ये आपका ब्रश की लेयर हो गई, ये आपकी मोटिव की लेयर हो गई। अगर आपको थोड़ा सा लेयर का कोई कंसर्न है तो मैं लेयर अलग कर देता हूँ। मैंने कंटीजियस हटा के सारा पिंक पार्ट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, सारा पिंक सेलेक्ट हो चुका है, कॉपी हो चुका है, कंट्रोल वी। अब जब भी मैं कंट्रोल वी पेस्ट करूंगा तो वो इस सिलेक्शन के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सिलेक्टेड एरिया पे ही पेस्ट होना था। तो इस तरीके से लेयर अलग हो गई। अब मैं ग्राउंड के लिए सॉलिड कलर लेके यहाँ से सॉलिड कलर फिल कर दूंगा, राइट? सॉलिड कलर के लिए या तो आप शिफ्ट बैक स्पेस कमांड यूज कर सकते हैं, या इस तरीके से सॉलिड कलर। ये सॉलिड कलर की लेयर, ये प्रिंट की लेयर, और ये टेक्सचर की लेयर, राइट? अब जो मेन है, जो कॉम्प्लिकेशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कुछ ब्रशेज यूज करेंगे, नॉर्मल ब्रशेज, जो बहुत ही बेसिक ब्रश है, हम उस पर आ जाते हैं। लाइक इस तरीके से ये ब्रश लिया, और यहाँ पे इस ब्रश को हमने डिसॉल्व, इसके मोड को चेंज कर रहे हैं हम, डिसॉल्व और ओपेसिटी कर रहे हैं 37 या जो भी आपको। अब ये डिसॉल्व होने के बाद ये करता क्या है, लाइक अब देखिए इस तरीके से डिसॉल्व होने के बाद काम करता है। अच्छा ब्रश है, बहुत अच्छे से काम करता है। लाइक ब्रश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, अगर आप इसको थोड़ा सा तरीके से और अच्छे एक टेक्निकल वे में यूज करते हैं। अब मैं इसके ग्राउंड कलर से मोटिव और ग्राउंड दोनों के बीच का एक कलर ले रहा हूँ, राइट? इस तरीके से, और मैं अब इस ब्रश को यहाँ पे यूज करना शुरू करूंगा डार्कर एरियाज में, राइट? ये लेयर ली है इस तरीके से, इसका इम्पैक्ट है जो बहुत अच्छा होने के बाद आएगा। वो आप देख रहे थे जब भी मैंने इसको ऐसे इस तरीके से किया तो यहां तक चला गया, सॉरी, जिससे यहां तक ना जाए उसके